हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन देखना क्या कह रहा है, टेस्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब आपको पता करना है कि जो इक्वेशन है वो विमीय रूप से सही है या फिर नहीं है। तो आप लोगों को यहां पर एक इक्वेशन दे दी, वी इक्वल टू रूट में गामा आर टी अपॉन में एम। अब यहाँ पे ये जो वी है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, इट मींस वेग। और आप सबको पता होता है कि वेग का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है या जो यूनिट होता है वो कितना होता है, मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब मीटर पर सेकंड इसका मतलब अपन बात करें, मीटर पर सेकंड का मतलब ये तो हो गया एल वन टी माइनस वन। ठीक, आर गामा यहां पर अपन लोगों के पास एक डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट होता है। गामा यहां पर अपन लोगों के पास क्या होता है, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट होता है। अगली बात समझ में, कोई भी विमाही नियतांक होता है, आर अपने पास गैस कांस्टेंट होता है, टी अपन लोगों के पास यहां पे टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, आर होता है गैस नियतांक और टी होता है टेम्परेचर ताप, और जो एम होता है वो होता है आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं अपन इसको। ठीक, तो ये चीज अपन लोगों को यहाँ पे गिवन है, दे रखा है यहाँ पर अपन को, और पता करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं ना आगे, तो अभी अपन पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी अपन को थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखना है कि अपन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है आप लोगों के पास, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है कि नहीं होता है, और पी होता है प्रेशर इट मींस दाब, V होता है वॉल्यूम आयतन, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। अब ऐसी कंडीशन पे PV, अब जो ये N होगा ना, इसको लिखते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, और ये हो जाएगा आर टी। अब अपन M को किधर डाल देते हैं, इसके नीचे डाल देते हैं, ये हो जाएगा P, V अपॉन में M इक्वल टू आर टी अपॉन में M। देखो आर टी अपॉन में M को अपन क्या लिख सकते हैं, पी वी अपॉन में M। लेकिन इसको लिखने से पहले आप सबको पता होता है कि जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो आप लोगों के पास क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। अभी बस में अभी देखो यहां पर एम अपॉन में वी है, यहां पर वी अपॉन में एम है, तो मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये 1 अपॉन में डी इक्वल टू वी अपॉन में एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वी अपॉन में एम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन में डी, और डी आप लोगों के पास क्या है, घनत्व डेंसिटी। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पर कितना जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास पी, और 1 अपॉन में डी आ जाएगा, तो पी अपॉन में डी इक्वल टू कितना जाएगा आर टी अपॉन में एम। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, आर टी अपॉन में एम की जगह क्या पुट कर देते हैं, पी अपॉन में डी। अब अपन को गैस कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, एम के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, आर टी अपॉन एम को किस में कन्वर्ट कर दिया, पी अपॉन में डी में, पी अपॉन डी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोगों के पास डी इक्वल टू कितना रहेगा, रूट में गामा पी अपॉन डी। पी क्या है, प्रेशर दाब, डी क्या है डेंसिटी घनत्व, और वी क्या है वेलोसिटी। पहले ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को, क्लियर है ना। अब जो फॉर्मूला मेरे पास रूट में गामा आर टी अपॉन में एम था, अब वो फॉर्मूला मेरे पास कितना हो गया, गामा पी अपॉन में डी हो गया। अगली बात में अपन आगे चलते हैं। ठीक, मैं सबसे पहले यहीं पर ही, मैं सबसे पहले कौन सी विमा डायमेंशन ले लेता हूं, एलएचएस, डायमेंशन ऑफ एलएचएस पर बात करता हूं, डायमेंशन ऑफ एलएचएस। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड की विमा पर बात करते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर, इधर जो है कौन है, वी, और V की डायमेंशन आप लोगों के पास कितनी है, V की डायमेंशन देखो वो ही आप लोगों के पास L1 T माइनस 1। तो मुझे LHS की डायमेंशन तो पता है, LHS की विमा पता है कितनी, L1 T माइनस 1। अब मुझे इधर की तरफ की निकालनी है RHS की, ये नोट कर लेना सारा, देखना आप लोग, देखना बाप। अब अपन निकालते हैं डायमेंशन ऑफ आर एच एस,
अब कितना आप लोगों के पास अब डायमेंशन चाहिए, अब गामा तो डायमेंशन लेस है ना, विमा ही है, तो अपन तो डायरेक्ट लिखेंगे पी अपॉन में डी। अब पी अपॉन में डी को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, पी इंटू वन अपॉन में डी। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना पी क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन में एरिया इंटू डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में आयतन कितना चला जाए, अब बटे में अपॉन में अपॉन आता तो वो चीज लौट कितने चली जाती है ऊपर, तो मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, तो आप सब देखना फोर्स को तो अभी ऐसे रहने देते हैं अपन, एरिया का कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक, वॉल्यूम का कितना आ जाएगा, आयतन का कितना जाएगा मीटर क्यूब, और ये मास है, मैं लिख देता हूं पूरा मास, और मास का कितना आ जाएगा केजी, तो ये मीटर स्क्वायर से ही चला जाएगा मीटर क्यूब। तो अब आपके पास यहां पे कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा फोर्स इनटू मीटर अपॉन में केजी। अब फोर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं अपन देखना, फोर्स को लिख सकते हैं केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, फोर्स को लिख दिया, अब वहां पे कितना बचा मीटर अपॉन में केजी, केजी से केजी का, तो आपके पास रूट में कितना बचा मीटर 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 स्क्वायर, नीचे कितना है सेकंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दूं मीटर अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, एल वन मीटर मतलब लेंथ एल वन, और टी मतलब टाइम टी, और यहां पे पावर कितनी है वन, और ऊपर जाके टी माइनस वन। अब आप खुद देखो डायमेंशन ऑफ RHS कितना आ रहा है L1 T माइनस वन, डायमेंशन ऑफ LHS कितना आ रहा है L1 T माइनस वन, इसका मतलब अपन बिना किसी टेंशन के लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ RHS, RHS की विमा बराबर है किसके LHS के विमा के, इट मींस ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, एकदम सही है। आई बस समझ में, देखो जल्दी से एक बार इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब आयतन प्रवाह की दर, मतलब कितने समय में कितना आयतन, मतलब फिक्स है कि आयतन किसके पास होता है द्रव के पास होता है, तो एक तरीके से कितने समय में कितना द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो वो दे रखा है डीवी अपॉन में डीटी, तो वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, रेट का मतलब टी, तो मतलब ऊपर तो आयतन है और नीचे कितना आप लोगों के पास समय, तो किस तरीके से आयतन समय के साथ क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है, इक्वल टू पाई पी आर फोर अपॉन में 8 नीटा एल दे रखा है आपको, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर दे दिया है, फॉर्मूला क्या दे दिया आप लोगों को डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू, और यहां पे कितना दे दिया पाई अपॉन में 8 पी आर की पावर 4 अपॉन में नीटा एल आपको दे दिया। आगे बस समझ में, अब आप देखना ये तो अपन को पता लग गया कि ऊपर वॉल्यूम है आयतन है नीचे टी मतलब टाइम है, यहां पे P देखना P रिप्रेजेंट कर रहा है किसको प्रेशर को मींस दाब को, R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, ठीक, जो नीटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्षमता को व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना, किसको क्षमता, ठीक, और जो L है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको लेंथ को, और आपको पता है कि जो ये पाई और A डबल पाई अपॉन में L, ये तो आप लोगों के पास क्या हुआ एक तरीके से डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा, इसकी कोई विमा नहीं होगी। आई बस में सॉल्व करें अपन इसको, तो सबसे पहले अपन वापस ले लेते हैं डायमेंशन ऑफ LHS, LHS की विमा ले लेते हैं, अब LHS का आपके पास कौन है dV अपॉन में dt, ठीक, dV ऊपर वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, और नीचे के टाइम, इट मींस यहां पे कितना हो जाएगा सेकंड, तो मीटर क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, मीटर क्यूब का कितना हो जाएगा आपके पास L3, टाइम का कितना हो जाएगा T1, ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास जो LHS की डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी L3 T-1। आई नहीं बस समझ में आप सभी को, ठीक, नेक्स्ट देखना आप लोग
इसको मैं हटा रहा हूं ना। नेक्स्ट देखो, इसको भी हटाई देते हैं थोड़ा अच्छे से। अब अपन बात करते हैं किस पे, डायमेंशन ऑफ आरएचएस, डायमेंशन ऑफ आरएचएस। अब देखो एट और ये पाई, ये तो लिखने की जरूरत नहीं। पी क्या है आप लोगों के पास, प्रेशर। एक बार आप लोग करके बताओ मुझे जल्दी से, पहले आप लोग ट्राई करो एक बार। आया बेटा आंसर, चलो ट्राई करते हैं एक बार अपन, ठीक। तो P आप लोगों को सबको पता है क्या होता है, आप लोगों के पास प्रेशर। R आप लोगों के पास क्या है, रेडियस की पावर 4 इंटू 1 अपॉन में। नीता क्या है आप लोगों के पास, विस्कोसिटी, शांता इंटू L क्या है आप लोगों के पास, 1 अपॉन में लेंथ। सब मल्टीप्लाई वाले सबको अलग अलग लिख दिया अपन ने, ताकि टेंशन नहीं रहे अपन को किसी भी तरीके की ना। तब आप देखना प्रेशर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है ना। रेडियस को तो अभी अपन रेडियस ही रहने देते। विस्कोसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। अब विस्कोसिटी होता है आपके पास फोर्स, ये होता है विस्कोसिटी इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स मतलब बल बटे में क्षेत्रफल इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को बोलते हैं वेग प्रवणता। ग्रेडियंट जिसके भी पीछे लग जाए ना, इट मीन्स वहां पे क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, प्रवणता। आगे बस में ग्रेडियंट को बोलते हैं प्रवणता। आगे बस बंदे सभी को, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखना आप इसको अब डायरेक्ट लिखते हैं अपन। तो आपके पास फोर्स अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और यहां पर हो जाएगा वन अपॉन में लेंथ। अब देखो अपॉन तो ये है ना मेन, और इसमें भी अपॉन आ रहा है, तो ये सारे बटे के नीचे अगर बट आता है तो ये चीज किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी लौट के। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अपने पास फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपॉन में एरिया इंटू रेडियस की पावर 4 इंटू, अब ये एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचेगा फोर्स इंटू 1 अपॉन में लेंथ। अब देखो फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, हो गया ना। अब रेडियस, रेडियस हो जाएगा आप लोगों के पास, इसको भी रहने देते, रेडियस की पावर 4 और वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी वेग बटे में डिस्टेंस। जिसके भी पीछे ग्रेडियंट वर्ड लग जाए ना, जैसे भी वेलोसिटी के पीछे ग्रेडियंट लगा तो वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस, अगर प्रेशर ग्रेडियंट होता तो प्रेशर अपॉन में डिस्टेंस। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि के पीछे अगर ग्रेडियंट लग गया तो उस फिजिकल क्वांटिटी में, उस भौतिक राशि में किसका डिवाइड कर दो आप, डिस्टेंस का डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो गया, वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस इंटू 1 अपॉन में लेंथ। आगे एक बात समझ में, तो आप बहुत ध्यान से देखना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास रेडियस की पावर 4 और डिस्टेंस को इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। इंटू वेलोसिटी कितना होता है आप लोगों के पास, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटे में समय इंटू 1 अपॉन में लेंथ। अब आप खुद देख लो आपके पास सारी फंडामेंटल आ गई, रेडियस फंडामेंटल मूलभूत भौतिक राशि, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम, लेंथ। तो अब यहां पर रेडियस की पावर कितनी है 4, तो यहां पर आप लोगों के पास कितना जाएगा, ये तो जाएगा मीटर की पावर 4। डिस्टेंस का भी कितना होता है मीटर इंटू डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है मीटर, टाइम का कितना हो जाएगा सेकंड इंटू 1 अपॉन लेंथ मतलब 1 अपॉन में मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया और 1 मीटर यहां पे कैंसिल हो गया आपके पास। तो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा मीटर क्यूब अपॉन में सेकंड बचा। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा L3 अपॉन में T1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास L3 T-1। अब देखो
RHS की डायमेंशन, RHS की विमा कितनी आई, L3T-1, और ये भी कितना है L3T-1, LHS की विमा दोनों बराबर है, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि RHS इक्वल टू LHS लिख सकते हैं। आई बस में रिक्वेस्ट, ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, विमीय रूप से एकदम सही है। आई बस में देखो जल्दी से बेटा एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अ न्यू सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, लेंथ इज बीटा मीटर एंड टाइम इज गामा सेकंड। वो आपसे ये कह रहा है कि आपको 1 जूल को एक नया सिस्टम कोई मान लिया उसने, ना तो सीजीएस है ना एफपीएस है, ठीक, कोई एक नया सिस्टम मान लिया और उस नए सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मास, ठीक है ना, यूनिट ऑफ मास मतलब द्रव्यमान का जो मात्रक है वो अल्फा केजी है, लंबाई का जो मात्रक है वो बीटा मीटर है, और जो समय का मात्रक है वो कितना है आप लोगों के पास, गामा सेकंड है। तो आपको 1 जूल को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब वो यही तो कहना चाहता है, देखना आप लोग, 1 जूल इक्वल टू कितना, अब अपन को इस सिस्टम से किसमें जाना है, इस सिस्टम में कितना, न्यू सिस्टम। आगे बस समझ में, अब सबसे पहले जूल, आपको पता होना चाहिए कि जूल एक तरीके से वर्क की प्रैक्टिकल यूनिट है इन एसआई सिस्टम। आगे बस में कि जो जूल है वो कार्य की प्रायोगिक इकाई है, किसमें, एसआई पद्धति में। तो आप देखना जूल, जूल मतलब मेरे को समझ में आ गया कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अपन सबसे पहले किसमें लिखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, मूलभूत मात्रकों के पदों में लिखेंगे। तो अपन वर्क को, एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। इट मींस जो 1 जूल है, जो 1 जूल है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फंडामेंटल यूनिट मूलभूत मात्रकों में, 1 तो बनी रहेगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। कैसे लिखा, याद करो वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कितना जाएगा, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का कितना जाएगा, मीटर, विस्थापन का कितना जाएगा, मीटर, मीटर मीटर मिलके मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो देखो केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो हम पहले से लिखते हुए, ठीक, तो अब ये हो गया 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इक्वल टू कितना, न्यू सिस्टम। अब आपको पता था कि केजी मीटर सेकंड मतलब ये कौन सा सिस्टम है आप लोगों के पास, एमपीएस सिस्टम है, और ये तो कोई न्यू सिस्टम है। अब आपको यहां पे ये कितना दे रखा है N1, ये कितना दे रखा है U1, ये क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है, N2, और इसका कितना हो जाएगा U2, और आप सबको पता है कि U1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास, U2। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर यूनिट, ठीक है ना, चेंज डायमेंशन, विमा चेंज नहीं होती है। अब वर्क कार्य की विमा क्या हो जाएगी आपके पास, M1 L2 T-2 हो जाएगी। अगली बात समझ में आपको, अब आपको ध्यान से देखना, तो आपको पता लग गया N1 U1 इक्वल टू कितना होगा, N2 U2, अब आपको N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 U1 अपॉन में U2। अब देखो U1 कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है, MPS सिस्टम से, और U2 कौन से सिस्टम में, न्यू सिस्टम में। तो ये लिख लो ताकि अपन को जब वैल्यू पुट करें तो अपन को ये सारी चीजें पता हो। अगली बस में, तो U1 तो है MPS सिस्टम से और U2 है न्यू सिस्टम से, हमेशा याद रखना। अब सो आपको तो N2 कैलकुलेट करना है ना, N2, तो U1 हमेशा किधर आएगा, मतलब U2 हमेशा किधर आएगा, नीचे, मतलब जो नंबर आपको कैलकुलेट करना है नंबर ही आएगा यहां पे। तो देखो यहां पे वाले तो फैक्ट है, यहां पे भी कोई ना कोई नंबर आएगा, तो जो नंबर आपको कैलकुलेट करना है उसके साथ जो यूनिट होगी या उसके साथ जो सिस्टम होगा वो हमेशा किधर आएगा, नीचे आएगा, बॉटम में आएगा हमेशा। आगे बात समझ में, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं देखना, अब आप सबको पता है, अपन इसको लिख सकते हैं N2 इक्वल टू M1, अब ऊपर U1 है ना और नीचे U2 है, तो ये हो जाएगा M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, और ये हो जाएगा T1 अपॉन में T2 की पावर सी। अगली बात समझ में, अब आपके पास यहां पे दो सिस्टम है, एक है आप लोगों के पास MKS
सिस्टम और एक है आप लोगों के पास कोई भी न्यू सिस्टम। अब आप सबको पता है कि एमके सिस्टम में जो एम वन होता है ऊपर को एम वन एल वन, अब एम वन किसको रिप्रेजेंट करे, एम वन किस में आ रहा है यू वन में, और यू वन किस कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है, एमके सिस्टम से बिलोंग करता है। और आप सबको पता है एमके सिस्टम में एम वन कितना होता है के जी, एल वन कितना होता है मीटर, और टी वन कितना जाएगा आप लोगों के पास सेकेंड, और एन वन की वैल्यू कितनी दे रखी है वन, कोई डाउट तो नहीं है ना। उसके बाद एन टू तो अपन को कैलकुलेट करना है ही सही। अब एम टू, एम टू कौन सा सिस्टम से है यू टू, और यू टू कौन सा सिस्टम, कोई भी न्यू सिस्टम। लेकिन देखना एम टू जो मास है, न्यू सिस्टम में जो यूनिट दे रखा है मास का, मात्रक दे रखा है द्रव्यमान का, कितना दे रखा है अल्फा के जी, तो एम टू इक्वल टू हो गया आपके पास अल्फा के जी, एन टू इक्वल टू जाएगा आप लोगों के पास बीटा मीटर, और टेन टी टू इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों के पास गामा सेकंड। पहले तो बात समझ में कि नहीं, अपन ने क्या करा, अपन ने ये करा कि जो भी अपन को वन जूल दे रखा है, अब वन जूल किसमें दे रखा है एमके सिस्टम में, ठीक है एमके पद्धति में दे रखा है, इसको अपन को किसमें कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में। अब अपन को पता है कि जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी उसके पास केजी है, मतलब द्रव्यमान है, मास है, लेंथ है और टाइम है, तो उसने क्या करा कि न्यू सिस्टम में मास का जो यूनिट लिखा वो क्या लिखा अल्फा केजी लिखा, मास का जो मात्रक लिखा वो क्या लिखा अल्फा केजी, लेंथ का जो मात्रक लिखा वो क्या लिखा बीटा मीटर, यूनिट क्या लिखा बीटा मीटर, और टाइम का यूनिट क्या लिखा गामा सेकंड। उसने मान लिया अपनी लेवल पे कुछ भी, तो अपन लोगों ने सिंपल सा वही एन वन यू वन एन टू यू टू, अब मुझे एन टू कैलकुलेट करना है तो यू टू किसके नीचे जाएगा यू वन के नीचे जाएगा, तो एन टू इक्वल टू जाएगा एन वन यू वन अपॉन में यू टू। अब अपन को पता है कि यू वन को मैं कैसे लिख सकता हूं एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी, टी वन की पावर सी, और यू टू को कैसे लिख सकता हूं एम टू की पावर ए, एल टू की पावर ए, टी टू की पावर सी, तो अपने एम एम को अलग कर दिया, तो एम वन अपॉन में एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन में एल टू की पावर बी, टी वन अपॉन में टी टू की पावर सी। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, याद रखना ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से, आई बात समझ में आप सभी को ठीक। फिर उसके बाद अपन लोगों ने देख लिया अपन ने, ताकि गलती ना हो कि एम वन किसके इक्वल है, एम वन कौन से सिस्टम से बिलोंग कर रहा है एमके सिस्टम से, क्योंकि एम वन किसके साथ आ रहा है यू वन, और यू वन किससे बिलोंग करता है, किससे संबंध रखता है एमके सिस्टम से, तो एम वन मतलब मास, और मास को एमके सिस्टम में किससे लिखते हैं केजी से लिखते हैं, यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। अब नए सिस्टम में मास को आप केजी नहीं लिखोगे, केजी के साथ क्या लिखोगे अल्फा केजी लिखोगे, यहां पे क्या लिखा मीटर, तो यहां पे क्या लिखेंगे बीटा मीटर, क्योंकि दे रखा है ना उसने, अपन क्या कर रहे हैं उसने दे रखा है, और अपन को एन वन दे रखा है वन, और एन टू अपन को कैलकुलेट करना है। अभी सारी वैल्यू अपन यहां पर रख देते हैं उठा के, तो यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आपको ठीक। अब आप देखना अपन ये सारी वैल्यूज रख देते हैं, देखना आप लोग अपन सारी वैल्यूज रखते हैं, तो आप लोगों के पास एन टू इक्वल टू हो जाएगा अपन एम वन की जगह कितना हो जाएगा, एम वन की जगह हो जाएगा आप लोगों के पास के जी, तो हो गया के जी अपॉन में नीचे एम टू की जगह कितना हो जाएगा अल्फा के जी। अब ए, ए की जगह हो जाएगा वन, क्योंकि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है एम वन एल के साथ टू टी के साथ माइनस टू, ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो ये हो गया एम वन, और फिर यहां पर हो जाएगा मीटर अपॉन में बीटा मीटर की पावर टू एम वन एल टू, और फिर यहां पर हो जाएगा सेकंड अपॉन में गामा सेकंड की पावर माइनस टू। तो देखो एम वन एल टू टी माइनस टू, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक। अब देखो केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो एन टू इक्वल टू आपके पास हो जाएगा वन अपॉन में अल्फा, ठीक है ना, यहां पर हो जाएगा वन अपॉन में बीटा का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा वन अपॉन में गामा की पावर माइनस टू, माइनस टू पर जाके प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप लोगों के पास आ जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों के पास अल्फा बीटा स्क्वायर तो नीचे और गामा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास एन टू की वैल्यू निकल के गई। तो आपको समझ में आ गया कि वन जूल इक्वल टू एन वन हो गया ना एन वन यू वन, अब एन टू की वैल्यू कितनी आई गामा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा स्क्वायर, और साथ में कौन सा सिस्टम है ये कोई एक न्यू सिस्टम। आई बात समझ में, तो इस तरीके से अपन एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ में, देखो एक बार जल्दी से इसको बेटा।